Hello students, a warm welcome to all of you, and in today's lecture I will be discussing about the chain surveying, that is the definition of chain surveying, what are the different types of chains, offsetting, ranging, as well as the main stations, principles of chain surveying, operation of chains, defects in chaining, as well as steps, and the sources of error or the causes which generates errors or the causes which cause generates error while chaining. And before beginning the chain surveying, I would like to take you 2 minutes and let us revise the things which we have studied in the previous lectures. So before beginning, in the previous lecture we have discussed about the definition of surveying, as well as its importance, its uses, types, and different types of maps, differences between maps and plan. And so let's begin the today's lecture without any further delay. So here are the content which we are going to discuss in this lecture, that are chain surveying, chains, mean that is actually the types of chains, tapes, ranging rod, methods used in chain surveying, principle of chain surveying, selection of chain surveying, offsets, errors, types of error, and sources of error. So here comes the instrument that are being used in the chain surveying, and the first one is chain. Chain is actually used for the linear measurements. एंड द सेकेंड वन इज टेप्स. जो चेन है वो आज अभी के टाइम में हम उतना यूज़ नहीं करते. आजकल हम लीनियर मेजरमेंट के लिए टेप्स का यूज़ करते हैं, और एरो हो गया. इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में. और फोर्थ है हमारा रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, पेक्स, प्लम बॉब. हमारा दूसरा स्लाइड है टाइप्स ऑफ चेन, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा चेन का टाइप क्या है. फर्स्ट हमारा है मैट्रिक चेन, सेकेंड हो गया गंटर्स चेन और सर्वेयर चेन, थर्ड है हमारा इंजीनियर्स चेन, रेवेन्यू चेन, स्टील बैंड और बैंड चेन. मैट्रिक चेन जो है वो बेसिकली हम जब कॉलेज वगैरह में जब प्रैक्टिकल करते हैं उस टाइम हम मैट्रिक चेन यूज़ किया करते हैं. मैट्रिक चेन का इमेज इस स्लाइड में ऐड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. और हम यहाँ पर मैट्रिक चेन के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में. सो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. सो गाइस, आप देख सकते हो ये है हमारा मैट्रिक चेन, टेकिंग मेजरमेंट ऑन चेन. सो गाइस, अब हम जानेंगे कि हम चेन में लेंथ कैसे मेजर करते हैं. तो गाइस, इसको पिक्चर को आप ध्यान से देखिए ज़रा. ये हो गया हमारा ब्रास हैंडल. सो आप देख सकते हो जो रेड से मार्क किया हुआ है वो हमारा ब्रास हैंडल है, और इसमें ये जो है ये हमारा रिंग हो गया, और ये हमारा जो मैंने बताया था आपको स्टील पीस होता है उसको जो रिंग से कनेक्ट किया होता है वो हो गया, और ये हमारा टैली हो गया. टैली जो है वो हर एक 5 मीटर पे डिस्टेंस पे ये बना लगा हुआ रहता है. जो 5 मीटर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है उसमें उस टैली में एक ठो पॉइंटेड नीडल टाइप पॉइंट बना हुआ रहता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर. और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा ये मिडिल वाला जो है इसमें दो पॉइंटेड नीडल बना, पॉइंटेड टूथ टाइप बना हुआ रहता है. ये हमारा ये 5 मीटर पे एक रहता है, फिर दूसरा 5 मीटर यानी कि 10 मीटर फ्रॉम द एंड से दूसरा बना रहता है. ये जो हमारा जो चेन है इस डायग्राम में ये टोटल 20 मीटर का है. तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर हुआ, फिर ये एंड से यहाँ तक का 10 मीटर हुआ. अगर ये 30 मीटर का होता तो ये हमारा 15 मीटर तक यहाँ होता, और जो ये जो हमारा ये जो टैली है इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं इस टाइप का. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब हम चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ. सो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ चेन. सो गाइस,
अब हमें टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ चेन जो हम पढ़ने वाले हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें ये टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ चेन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो गाइस, क्या होता है कि जब हम चेन को ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो मैकेनिकल अथवा और नहीं तो नेचुरल रीजंस की वजह से क्या होता है, जैसे कि गर्मियों में हमें पता है जो मेटल से वो एक्सपैंड हो जाता है और विंटर में वो कंट्रैक्ट हो जाता है, तो एक रीज़न ये हो गया। और रफ हैंडलिंग की वजह से ये क्या हो जाता है, चेन जो हमारा एक्चुअल लेंथ है वो बड़ा या छोटा हो जाता है। तो हमें यहाँ पे कुछ मेजर्स है जिससे हम क्या करेंगे, जो अगर हमारा चेन अगर बड़ा हो जाता है तो उस टाइम हम कैसे ठीक करेंगे उसको। क्लोजिंग ऑफ द जॉइंट्स ऑफ द रिंग इफ़ फाउंड टू बी ओपेंड और ओपन आउट। तो हमें पता था कि मतलब रिंग कैसे किस टाइप से रिंग जो था ये दो रॉड को ज्वाइंट कर रहा था, तो क्या होगा कि अगर ये रिंग का जो ओपनिंग है ये वाला अगर ये ओपन हो गया है तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अगर इसकी क्या होगा, अगर ये बड़ा हो गया है तो ये लेंथ हमारा रॉड का जो हमारा चेन का लेंथ है ये हमें बड़ा कर हो गया रहेगा, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, अगर ये ओपन हो गया है रिंग तो इसको हम फिक्स करेंगे। फिर क्या है दूसरा, रीशेपिंग द एलोंगेटेड रिंग, वही ये बात है, ये अगर लंबा हो गया है तो इसको हम रीशेप कर देंगे यानी राउंड बना देंगे। दूसरा है रिप्लेसिंग द डैमेज रिंग, अगर ये रिंग हमारा डैमेज हो गया है तो इसको हम नया रिंग से रिप्लेस करेंगे। फोर्थ हमारा है रिमूविंग वन और स्मॉल रिंग्स, हम क्या करेंगे अगर हमारा चेन बड़ा हो गया है तो हम क्या करेंगे, रिंग को उसमें से निकाल सकते हैं ताकि जो हमारा एक्चुअल लेंथ है वो हमें चेन का अचीव कर सकें। फिर हमारा है एडजस्टिंग द लिंक्स एट द एंड, देखो क्या हो जाता है कभी कभार जब हम रिंग चेन को अगर ओपन कर रहे हैं साइड पे तो क्या होता है जो रिंग है वो एक दूसरे में अटक जाते हैं, तो उस टाइम हम क्या करेंगे उसको एडजस्ट करेंगे, एक दूसरे से उसको अलग करेंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या है, इफ़ द चेन इज़ फाउंड टू बी शॉर्ट, अब हमारा दूसरा प्रिवेंटिव मेजर क्या है, अगर हमारा चेन छोटा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेटनिंग द बेंट लिंक्स। देखो जो मैं बोल रहा था जो आयरन का पार्ट्स होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है ये दो लिंक जो रिंग के बीच में जो आयरन का जो पीस होता है, सॉरी स्टील का जो पीस होता है उसको हम लिंक्स बोलते हैं। अगर ये हमारा बेंट हो गया है तो क्या होगा, हमारा चेन ऑब्वियसली शॉर्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट कर देंगे। फिर क्या है, ओपनिंग द जॉइंट्स ऑफ द रिंग, अगर हम क्या करेंगे अगर हमारा चेन छोटा हो गया है तो हम क्या करेंगे, ये जो रिंग का जो जॉइंट्स है इसको हम खोल देंगे ताकि हमारा जो चेन है ये एक्चुअल लेंथ हमें दे सके। रिप्लेसिंग वन और स्मॉल सर्कुलर रिंग बाय बिगर वन, अगर हमारा कोई रिंग है वो छोटा हो गया है तो हम क्या करेंगे उसको रिप्लेस करेंगे बड़ा से। इंसर्टिंग न्यू रिंग्स वेयर नेसेसरी, हम क्या करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम नया रिंग इंसर्ट कर देंगे। फिर वही बात है एडजस्टिंग द लिंक्स एट द एंड, अगर एंड में कोई अटक गया हो एक दूसरे में तो हम क्या करेंगे उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक करेंगे। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि हमारा होने जा रहा है टाइप्स ऑफ टेप्स। तो हमने अभी हमने पढ़ा चेन के बारे में और उसमें जो डिफेक्ट आया है, जो हमारा चेन शॉर्ट हो गया है चाहे वो लॉन्ग हुआ है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टेप्स। तो ऑब्वियसली टेप हम सब ने डेली लाइफ में यूज़ भी किया होगा और देखा भी होगा। तो टाइप्स टेप का कुछ टाइप मतलब टेप्स के जो जिस किस चीज़ पे बना है उस टाइप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा है फर्स्ट है क्लोथ से बना हुआ टेप रहता है, सेकेंड है हमारा फाइबर से बना हुआ टेप रहता है, मेटालिक टेप मिल सकता है मार्केट्स में, स्टील टेप्स मिल सकता है, और जो ये इनवार टेप है ये मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट देता है क्योंकि जितना भी ये ऊपर का जो फोर टाइप्स है ये क्या होता है हीट की वजह से एक्सपैंड हो जाता है, विंटर में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पर जो इनवार टेप है ये इसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन रेट बहुत स्लो होता है, इस वजह से ये मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट देता है जो इनवार टेप है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो ये कुछ इमेजेस है टेप्स का, देखा होगा आपने ये लैंड सर्वेयर को यूज़ करते हुए, और ये जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो कॉलेज में भी अवेलेबल है ये। सो अब आया हमारा एरो, हम एरो किसको बोलते हैं, आप ये इमेज देख सकते हो ये वाला, इसको हम एरो बोलते हैं। तो एरो क्या है, एरो आर मेड अप द टेम्पर्ड स्टील वायर ऑफ डायमीटर 4 मिलीमीटर, जो हमारा एरो है ये
टेम्पर्ड स्टील का बना होता है और इसका जो ये जो स्टील है इसका डायमीटर होता है हमारा 4 मिलीमीटर। वन एंड ऑफ द एरो इज बेंट इनटू द रिंग ऑफ डायमीटर 50 मिलीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा है ये रिंग में बेंट हुआ हुआ है, जो हमारा एरो का अनदर एंड है वो जो, और ये जो सर्कुलर है उसका डायमीटर हमारा 50 मिलीमीटर होता है। एंड अदर एंड इज पॉइंटेड, जो हमारा ये एंड है ये पॉइंटेड होता है। और फिर क्या हुआ, द ओवरऑल लेंथ इज 400 मिलीमीटर। सो यहाँ टिप से यहाँ तक का लेंथ हमारा 400 मिलीमीटर होता है एरो का। एंड एरो इज इंसर्टेड इनटू द ग्राउंड आफ्टर एवरी चेन मेजर्ड ऑन द ग्राउंड। सो गाइज, अब हम जानते हैं कि एरो का यूज़ कहाँ पे होता है। जो ये लाइन है क्या कह रहा है, एन एरो इज इंसर्टेड ऑन द ग्राउंड फॉर आफ्टर एवरी चेन मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड। सपोज हमें 40 मीटर का लेंथ मेजर करना है विथ चेन के, चेन से, और हमारे पास चेन अवेलेबल है 20 मीटर का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया है मेज़र करना, जो ये पहले हमने यहाँ पे एक एरो लगा दिया अथवा नहीं तो स्टेशन हमने मार्क कर दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेन से हम मेज़र करते हैं। और मानो हमारा चेन 20 मीटर का है, तो हमें तो चेन दूसरा मेजरमेंट भी दूसरी बार चेन को घुमाना पड़ेगा। तो मानो 20 मीटर यहाँ तक आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरो लगा देंगे। फिर ये 20 मीटर मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर दूसरा मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे और ये हमारा 20 मीटर करके ये टोटल हमारा 40 मीटर हो जाता है। सो थर्ड थिंग्स जो हमें चेनिंग के दौरान ज़रूरत पड़ती है वो है हमारा रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड हमारा क्या है, रेंजिंग रॉड का जो लेंथ है वो हमारा 2 to 3 meter लेंथ होता है और यूज फॉर रेंजिंग सम इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन द सर्वे लाइन। सपोज हम ए से बी तक का सर्वेइंग कर रहे हैं पॉइंट्स का, और सॉरी ये हमारा बी है। सो गाइस, सपोर्ट हम मान लेते हैं कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अगर हमें बाइक कोई रीज़न कहीं पे ऑफसेट कोई लेना है, तो मानो कहीं पे हमें किसी चीज़ का हमें ऑफसेट लेना था, तो हमने क्या किया, ये स्टेशन ए और बी के बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया ये वाला। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट सी है, तो ये जो स्टेशन हमारा एक्चुअल स्टेशन जो था वो ए और बी था, इनके बीच में हमने क्या किया, एक इंटरमीडिएट पॉइंट लिया। तो इसको इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड लगा देते हैं ताकि हमें ये पॉइंट विजिबल हो। तो और डिफरेंस और हमें ये बाकियों से डिस्टिंक्ट भी करता है। तो हमारा थर्ड क्या है, पेंटेड विथ अल्टरनेट बैंड्स ऑफ ब्लैक और वाइट और रेड एंड रेड कलर। ये जो रेंजिंग रॉड होता है हमारा, ये इसमें बैंड बना होता है ब्लैक एंड वाइट और रेड एंड वाइट कलर का। डायग्राम ऐड किया, पिक्चर ऐड किया हुआ है स्लाइड में, सो आप देख सकते हो। एंड इच लेंथ इज इक्वेटिंग एट 20 सेंटीमीटर। सो आप इमेज देखते हैं हम। सो ये हमारा रेंजिंग रॉड है और ये जो इसका लेंथ है ये 2 to 3 meter होता है, और ये जो हमारा डिस्टेंस है जो रेड और ये वाइट हो गया, ये हर एक हमारा 20 सेंटीमीटर का होता है। सो गाइस, अब आया हमारा पेग। हम पेग जो है ये हमारा वुड अथवा टिम्बर का बना हुआ रहता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, विजिबल है, लग रहा है वुड से बना हुआ है। एंड इट इज़ यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ द स्टेशन। ये हमें स्टेशन मार्क करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने मार्क किया यहाँ पे कोई स्टेशन ए है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पेग लगा देते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या है, द पेग का लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। फिर आया हमारा प्लम्ब बल्ब। देखो गाइज, प्लम्ब बल्ब का हमारा यूज़ क्या होता है, जैसे कि मान लिया हमने कोई एक स्टेशन है ये ए, ठीक है, हमने यहाँ पे एक पेग लगाया हुआ है, पेग लगा दिया है स्टेशन ए पे, और हमने मानो कि हमें ये पॉइंट्स को एक पेपर पे उतारना है। बेसिकली मैं यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वेइंग की बात कर रहा हूँ, और मानो ये पॉइंट्स को हमें एक पेपर पे ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लम्ब बल्ब का यहाँ से इस प्लम्ब बल्ब के ज़रिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को हम यहाँ पे टेबल पे ले जाने में, पेपर पे उतारने में हम हेल्प करता है हमें ये प्लम्ब बल्ब। बेसिकली इसका यही पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट काम है, जो पॉइंट हमारा ग्राउंड में है उसको ये पेपर पे ले जाता है एग्जैक्टली। सो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। आया हमारा प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। सो गाइस,
प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग यानी कि जो चेन सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल है वो एक ट्रायंगुलेशन है, और इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ सुइटेबल साइड्स। हम क्या करते हैं, जो हमारा एरिया वर्किंग एरिया होता है उसमें हम क्या करते हैं, उस एरिया को सुइटेबल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि बेसिकली ट्रायंगुलेशन आ गया। और वो जो ट्रायंगल होता है उसका सुइटेबल साइड होता है, मतलब जो राइट एंगल हो सकता है या इक्विलेटरल टाइप हो सकता है, ठीक है। और द प्लान ऑफ द एरिया कैन ईजली बी ड्रॉन, और जो हमारा जो हम उस एरिया को डिवाइड करेंगे सुइटेबल ट्रायंगल्स में इस तरीके से, ताकि जो हम उसका प्लान ड्रॉ करेंगे उस एरिया को ईजली हम ड्रॉ कर सकते हैं, एज ट्रायंगल इज़ द ओनली सिंपल प्लेन इन द ज्योमेट्रिकल फिगर। सो गाइज, जो ट्रायंगल है वही एक सिंपल प्लेन है ज्योमेट्रिकल फिगर में। सो गाइज, यहाँ पे कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू चेन सर्वेइंग, एंड द फर्स्ट वन इज मेन स्टेशन। हम मेन स्टेशन किसे बोलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो जो मेन स्टेशन हमारा क्या होता है, मेन स्टेशन हो सके तो आप ये डिफिनीशंस नोट कर लीजिएगा, मेन स्टेशंस आर टेकन अलोंग द बाउंड्री ऑफ एन एरिया एट कंट्रोलिंग पॉइंट्स। तो ये क्या कह रहा है, जो हमारा ये जो पॉइंट्स है ये हो गया ए बी सी डी जो है ये, ए बी सी डी जो है ये हमारा हो गया मेन स्टेशंस। मेन स्टेशंस यानी कि जो हमारा जिस वर्किंग एरिया है उसके बाउंड्री पे लाई करेगा मेन स्टेशन, और हम उसको एज अ कंट्रोलिंग पॉइंट यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सब्सिडियरी स्टेशन। सब्सिडियरी स्टेशन हमारा क्या होता है, कोई भी स्टेशन जो हमारा कोई भी स्टेशन जो हमारा मेन सर्वेइंग लाइन पे लाई करेगा, जैसे कि मेन सर्वेइंग लाइन पे लाई कर रहा है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पॉइंट्स है जो ए बी लाइन पे मेजर मार्क किया हुआ है, और यहाँ पर भी है, ये जो मेन लाइन मेन स्टेशंस का जो लाइन है उस पे जो हमारा कोई भी स्टेशन रहेगा उसको हम सब्सिडियरी स्टेशन बोलते हैं। और जो टाई स्टेशन होता है वो सिमिलर टू सब्सिडियरी स्टेशन होता है, और सिमिलर होता है सब्सिडियरी स्टेशन के साथ। सो गाइस, तो हमें क्या होगा, द मेन सर्वे लाइन, मेन सर्वे लाइन यानी कि क्या होगा, अब जो मेन स्टेशन कोई भी लाइन जो मेन स्टेशन को ज्वाइन किया हुआ रहेगा उसको हम बोलेंगे मेन सर्वे लाइन। जैसे कि ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये सब जो हमारा है ये हमारा मेन सर्वे लाइन है, वैसे ही बेस लाइन। तो अब देखो गाइस क्या है, जैसे कि हम मान लेते हैं ये ट्रायंगल को हम देखते हैं, तो जो ये हमारा बी सी है ये बेस हो गया, और ये मान लेते हैं ए बी सी डी हो गया, ये हमारा ई पॉइंट है। तो हमारा जो ये बी सी है ये हमारा बेस लाइन हो गया, ठीक है। और हमारा जो चेक लाइन है, और चेक लाइन यानी कि वो लाइन है जो ट्रायंगल का वो लाइन है जो एट अ एपेक्स यानी कि टॉप पे मीट करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये बी ई और सी ई जो है ये हमारा चेक लाइन हो गया, और टाई लाइन यानी कि जो टाई स्टेशन को ज्वाइन किया हुआ रहेगा उसको हम बोलेंगे टाई लाइन्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है जो हम ध्यान में रखते हैं हमारा सर्वे स्टेशन सिलेक्ट करने के दौरान। फर्स्ट वन इज सर्वे लाइन्स शुड बी मिनिमम एज फार एज पॉसिबल एंड शुड बी टेकन ऑन अ फेयरली लेवल ग्राउंड। जो हमारा सर्वे लाइन है ये कम से कम दूरी में होना चाहिए जितना पॉसिबल है, और जो ये हमारा जो स्टेशन सर्वे लाइन होगा ये एक लेवल ग्राउंड पे होना चाहिए। फिर दूसरा है शुड बी इंटरविजिबल, यानी कि जो हमारा सर्वे लाइन्स है इस पे जो हम स्टेशन लगाएंगे ये एक दूसरे से विजिबल होना चाहिए। मतलब जैसे कि हमारा मान लो स्टेशन ए और बी दो स्टेशन है, तो हमारा स्टेशन ए से स्टेशन बी विजिबल होना चाहिए और स्टेशन बी से स्टेशन ए विजिबल होना चाहिए, इस टाइप का हमारा सर्वे लाइन होना चाहिए। फिर हमारा आया थर्ड कंडीशन क्या है, शुड फॉर्म अ वेल कंडीशन ट्रायंगल। जो हमारा स्टेशन सर्वे लाइन होगा ये एक वेल कंडीशन ट्रायंगल फॉर्म करने लायक होना चाहिए। फिर है हमारा शुड बी लोकेटेड एट द टाई लाइन चेक लाइन बेस लाइन ईटीसी कैन बी फॉर्म्ड। वही बात है, और इन सब के बारे में हमने पहले ही जान लिया कि टाई लाइन किसे कहते हैं, चेक लाइन किसे कहते हैं, बेस लाइन किसे कहते हैं। तो हमारा स्टेशन इस टाइप का होना चाहिए जिसमें हम कि ये तीनों चीज़ें दिखा सकते हैं और ये तीनों चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट करने लायक हो, इस टाइप का पॉइंट्स को हम स्टेशन लेते हैं, सर्वे स्टेशन मार्क करते हैं। शुड बी सिलेक्टेड विथ द बाउंड्री ऑफ एरिया टू बी सर्वेड। जो हमारा क्या है, स्टेशन जो हमारा स्टेशन है ये बाउंड्री एरिया के
भीतर होना चाहिए। आपने पहले वाले डायग्राम में देखा होगा जो हमारा स्टेशन था वो कैसा था, विथ इन द बाउंड्री एरिया। जैसे ये सर्कल था, सर्कल है ये हमारा बाउंड्री एरिया हो गया, तो हमारा स्टेशन विथ इन द बाउंड्री एरिया होना चाहिए। यही है फिफ्थ पॉइंट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो यहाँ पे आया ऑपरेशन इन चेन सर्वेइंग। हम चेन सर्वेइंग में बेसिकली क्या क्या करते हैं, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, चेनिंग करते हैं, फिर हमारा होता है रेंजिंग, फिर थर्ड हो रहा हमारा होता है ऑफसेटिंग। सो हम डिटेल में पढ़ने वाले इन तीनों चीज़ें को। फर्स्ट हमारा आ गया चेनिंग। सो गाइस, चेनिंग बेसिकली इन्वॉल्व करता है हमारा चेनिंग ऑन द लेवल ग्राउंड। चेनिंग बेसिकली एक लेवल ग्राउंड में होना हो सकता है, या फिर जो राइज ऑन नॉन लेवल ग्राउंड में भी होना हो सकता है। फर्स्ट हमारा क्या है, जो हम चेनिंग ऑन लेवल ग्राउंड करते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन होता है फिक्सिंग ऑफ स्टेशन। हम पहले क्या करते हैं, स्टेशन मार्क करते हैं एक वर्किंग एरिया में, फिर क्या करते हैं, हम चेन को खोलते हैं, अनफोल्डिंग ऑफ चेन, फिर हम क्या करते हैं, रेंजिंग, फिर मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस। हम चेन का यूज़ करके डिस्टेंस मेजर करते हैं। रेंजिंग यानी कि जो हमारा स्टेशन ए बी के बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट लगाना हो, उस मेथड को हम रेंजिंग बोलते हैं। फिर हमारा होता है फोल्डिंग ऑफ चेन, यानी कि हम चेन को सेफली फोल्ड कर देते हैं आफ्टर डिस्टेंस मेजर करने के बाद। फिर आया हमारा चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। जैसा कि आप देख सकते हो स्लाइड का हेडिंग है हमारा, तो इसका कुछ मेथड्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। सो चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड बाय डायरेक्ट मेथड हम कैसे करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेपिंग। इन दिस मेथड द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचेस ए वन ए टू विथ सुइटेबल लेंथ ऑफ द चेन और टेप, एंड फाइनली टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज एडेड टू रिक्वायर्ड द डिस्टेंसेज। इस मेथड को समझाने के लिए इस स्लाइड में एक इमेज एड किया हुआ है, उससे हम समझते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, हम मान लेते हैं कि डब्ल्यू ए का वैल्यू लेंथ हमारा ए वन है, और एक्स बी का वैल्यू हमारा ए टू है, और वाई सी का वैल्यू हमारा ए थ्री है। तो हमें चेनिंग से अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता लगाना है। मान लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा एक्स है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जब हमारा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलग अलग हमें जो मेजर हुआ है, इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे। ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री करेंगे, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स जो हमें मेजर करना था वो हमें दे देगा इन केस ऑफ स्लोपिंग ग्राउंड। और ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हो, वो ये वही चीज़ रिपीट हुआ है। हम इसका लेंथ मेजर करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ, और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ, और सबको ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। आई होप आप सब लोग समझ रहे हो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो हमारा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम तीन मेथड पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा हो गया मेथड वन। सो गाइज, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। आप ये रीड कर लीजिएगा। मान लो ये हमारा स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो इसमें हम क्या बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, इसको हम क्या करेंगे, हम ये एंगल थीटा का यूज़ करके, और ये हमारा जो स्लोप है इनक्लिन, और इसमें हम क्या, इस मेथड में क्या करते हैं, हम ये एंगल का यूज़ करते हैं, और ये हमारा जो स्लोपिंग लेंथ है, स्लोपिंग लेंथ, इसको हम इसका दोनों का यूज करके हम जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको हम फाइंड करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है फर्स्ट मेथड। और जो हमारे एंगल फाइंड करना होता है इस मेथड के लिए, हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं एबनीज लेवल, जिसे हम एंगल आ जाता है, और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और सॉरी स्लोपिंग लेंथ से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। अब मूव करते हैं मेथड टू की तरफ। सो गाइस, हम मानते हैं कि जो हमारा ये ए पॉइंट है, इसका एलिवेशन एट ज़ीरो है, और इसका एलिवेशन हमारा जो बी पॉइंट है, इसका एलिवेशन फाइव है। तो हम इन ए से बी का डिफरेंस इन एलिवेशन हमारा जी फाइव माइनस ज़ीरो यानी कि फाइव हो गया। सो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस, एलिवेशन का डिफरेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, स्लोपिंग डिस्टेंस यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये और
ये हमारा डिफरेंस इन एलिवेशन टू पॉइंट, दोनों पॉइंट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये फाइंड हमें डी का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ये हमारा हो जाता है सेकेंड मेथड इन इनडायरेक्ट मेथड। फिर हमारा आया थर्ड मेथड। थर्ड मेथड को हम क्या करते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोटेनशियल अलाउंस मेथड। इंस्टीड ऑफ पुटिंग द एंड एरो एट एक्चुअल एंड ऑफ द चेन, इट इज़ पुट एट सम एडवांस डिस्टेंस। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जो चेन का एंड होता है वहाँ पे हम एरो नहीं लगा के उससे हम थोड़ा आगे लगाते हैं, एंड दैट पॉइंट इज़ कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ द वन चेन। और उस पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो एंड ऑफ द चेन लेंथ है मेथड थ्री में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। फिर हमारा आ गया रेंजिंग। सो रेंजिंग का बेसिकली दो मेथड है, फर्स्ट हमारा डायरेक्ट रेंजिंग हो गया और दूसरा हमारा हो गया इनडायरेक्ट रेंजिंग। इसके बारे में हम पढ़ते हैं अब। डायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है हमारा, व्हेन इंटरमीडिएट रेंजिंग रॉड आर फिक्स्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन बाय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द स्टेशंस, दिस प्रोसेस इज नोन एज डायरेक्ट रेंजिंग। देखो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारा स्टेशन ए हो गया और स्टेशन बी हो गया और हमें रेंजिंग कर रहे हैं, यानी कि इंटरमीडिएट पॉइंट हमें इस पे लगाना है, इस सर्वे लाइन पे लगाना है। मान लो ये हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट सी है, तो हम क्या करते हैं इस स्टेशन पे जाके यहाँ से हम ओवर, यहाँ से हम डायरेक्ट करके इस रेंजिंग रॉड को हम लगाते हैं और इंटरमीडिएट पॉइंट मार्क करने के लिए। तो इस टाइप के मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट रेंजिंग, क्योंकि हम डायरेक्ट रेंजिंग कर रहे हैं स्टेशन पे जाके। ठीक है, फिर हमारा आ गया इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, व्हेन द एंड स्टेशन आर नॉट इंटरविजिबल ड्यू टू देयर बीइंग हाई ग्राउंड बिटवीन देम, इंटरमीडिएट रेंजिंग रॉड आर फिक्स्ड ऑन द लाइन इन इनडायरेक्ट वे, एंड दिस मेथड इज नोन एज इनडायरेक्ट रेंजिंग। सो गाइज, इनडायरेक्ट रेंजिंग में क्या होता है कि इनडायरेक्ट रेंजिंग हम किस वक्त यूज करते हैं, जब हमारा दो स्टेशन, जैसे ये स्टेशन ए और स्टेशन बी है, तो स्टेशन ए से स्टेशन बी विजिबल ना हो और नहीं तो स्टेशन बी से स्टेशन ए विजिबल नहीं हो। और इस वक्त हम इस केस में हम क्या कर सकते हैं, और हमें इंटरमीडिएट पॉइंट यहाँ पे लगाना है और ये स्टेशंस विजिबल नहीं है कि ताकि हम डायरेक्ट करके इंटरमीडिएट पॉइंट लगा सकें, तो इस केस में हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम है, इमेज एड किया हुआ है, उससे हम समझते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मान लो कि हमें ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है और इन दोनों के बीच में हमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स लगाना था सी और डी, और सी और डी। तो गाइस, यहाँ पे अगर हम इंटरमीडिएट पॉइंट सी लगाते तो हमें क्या था, ये ए से बी विजिबल रहता तो ईजिली लग जाता, पर ये स्लोपिंग होने की वजह से, ये पोर्शन राइज होने की वजह से क्या हो रहा है, हमें ये स्टेशन विजिबल बी विजिबल ही नहीं है, इस वजह से हम सी को ईजिली नहीं लगा सकते। तो इस केस में हम जो रेंजिंग मेथड यूज़ करेंगे वो हमारा इनडायरेक्ट रेंजिंग मेथड हो जाता है। सो गाइज, अब आया हमारा ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग क्या होता है समझते हैं इसको। जैसे कि मान लो ये हमारा स्टेशन ए है यहाँ पे और ये हमारा स्टेशन बी है और ऑफसेट लेना है। मान लो यहाँ पे कोई ट्री है, तो हम ये सर्वे लाइन से एक राइट एंगल पे यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेशन लेके हम यहाँ पे राइट एंगल पे इसको हम ऑफसेट लेते हैं। इसका कुछ लेंथ हम दिखा देते हैं कि हाँ, ये इंटरमीडिएट, ये सर्वे लाइन से यहाँ इस पॉइंट से इतना राइट एंगल पे ये हमारा ट्री और कोई बिल्डिंग है, तो ये हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर ऑफसेट। इसको हम लेंथ में मेजर करके दिखा देते हैं हमारा सर्वे फील्ड बुक पे। फिर अगर इसी को हम एंगल अदर दैन 90 डिग्री पे दिखाएंगे, ये हमारा राइट एंगल हो गया, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर ऑफसेट। अगर हम इसी को अदर दैन 90 डिग्री पे हम दिखाएंगे, तो ये हमारा यही हमारा हो जाता है ऑब्लिक ऑफसेट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो गाइज, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका हम यूज़ करते हैं ऑफसेट लेने के लिए। पता ही हो गया ऑफसेट हम किसको बोलते हैं और क्यों लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर और इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर, और ये हमारा ओपन क्रॉस स्टाफ हो गया, और ये हमारा प्रिज्म स्क्वायर हो गया। ये हम ऑफसेट लेने के लिए करते हैं यूज़। फिर आया हमारा एरर इन चेनिंग। तो हमारा एरर इन चेनिंग जनरली दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारा हो गया कंपनसेटिंग एरर, दूसरा हो गया हमारा कम्युलेटिंग एरर। इनके बारे में हम पढ़ते हैं अब। कंपनसेटिंग एरर यानी कि, अब देखो
कंपनसेटिंग एरर, यानी कि हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं, जो हमारा एरर जनरेट हुआ है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और एकोमलेटिंग एरर, यानी कि हम उसको कम नहीं कर सकते, वो हमारा एट द एंड टिल हम सर्वेइंग कर रहे हैं वहाँ तक वो आता ही रहेगा। तो अब सोर्सेस ऑफ एरर इन चेनिंग, चेनिंग में एरर किस किस वजह से हो सकता है। फर्स्ट हमारा हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट होने की वजह से होगा। दूसरा हो गया नेचुरल एरर, जो नेचुरली वहाँ पे ऑक्योर होगा साइट पे। जैसे कि हम, मैं कंपास बेयरिंग का एग्जांपल देना चाहूँगा। क्या होता है कि मतलब अगर हम कहीं पे साइट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई मैकेनिकल ऑब्जेक्ट वहाँ पे है, तो क्या होगा, हमारा कंपास वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है मैकेनिकली, नेचुरली। तो उस टाइप का, उस टाइप पे जो एरर हमारा जनरेट हो गया वो नेचुरल एरर हो गया, क्योंकि हम वहाँ पे जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको तो हम वहाँ पे, जो हमारा मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है उसको तो हम रिमूव नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रीडिंग आया हम रीडिंग को करेक्शन कर सकते हैं बाकी रीडिंग्स के सहायता से। फिर आ गया हमारा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर यानी कि क्या हो गया, जो हम ह्यूमन से हो जाती है, जो सर्वे कर रहा है इंसान उसकी वजह से जो एरर जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। सो गाइस, यहाँ पे आ गया हमारा, इस स्लाइड में हम जानेंगे कि अगर हमारा चेनिंग में एरर आया है तो किस कंडीशन में आया है, हमारा चेन किस कंडीशन में था जो कि जिस वजह से हमें एरर आया है, और उसको हम ठीक कैसे करेंगे। देखो गाइस, अगर हमारा चेन बड़ा है, तो बड़ा है तो हमने क्या किया है, लेंथ मेजर हमारा कम हुआ है, तो हमारा जो करेक्शन होगा वो हम पॉजिटिव करेक्शन अप्लाई करेंगे। अगर हमारा चेन छोटा है, तो चेन छोटा है तो हमने क्या किया है, डिस्टेंस मेजर ज़्यादा किया है, डिस्टेंस मेजर ज़्यादा किया है, तो हमारा जो करेक्शन होगा वो हमारा नेगेटिव करेक्शन होगा। अब टाइप्स ऑफ करेक्शन। सो टाइप्स ऑफ करेक्शन, जो हमारा एरर है मेनली क्या होगा, लेंथ में होगा, ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से आएगा, पुल की वजह से आएगा, सैग की वजह से आएगा। सैग यानी कि जो हम चेन को हैंडल किए हैं वो स्ट्रेट ना होके कुछ एंगल पे ये इंक्लाइन होगा, सैगिंग। हमने देखा होगा कि मतलब हीट की वजह से जो हमारा वायर होता है पुल के बीच में, वो सैग हो जाता है। तो और समझ सकते हैं, और करेक्शन ऑफ स्लोप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन टाइप के हम करेक्शन अप्लाई करते हैं, जो एरर मेनली इन चीज़ों की वजह से जनरेट होगा, तो हम करेक्शन भी इन्हीं चीज़ों की वजह के लिए लगाएंगे, ताकि हमारा जो रीडिंग है वो एग्जैक्ट आए।